खटोल बाग का बस स्टैंड है, यहीं से आपको बसेस मिल जाती हैं इंदौर साइड जाने के लिए। और ये बस है सामने जिस चार मार्ग सफर होने वाला है। सीट बुक करिए, वो सेमी स्लीपर पर करिए, इस तरह से बैठने वाली होती है जो कि ये देख रहे हैं, ये हमारी बस की भाई लाइव स्पीड चल रही है। और कुछ इस तरह से लाइटिंग है, सामने कैमरा लगा हुआ है भाई। हे गाइस, मैं हूं जीतू और फिर से आपका स्वागत है एक नए जर्नी ब्लॉग में। और आज के वीडियो में मैं आपको दिल्ली से उज्जैन की एक बस जर्नी करवाने वाला हूं। और साथ साथ बताऊंगा कि आप अगर प्लान कर रहे हैं उज्जैन आने का और महाकाल के दर्शन करने का, तो आप यहां पे कैसे आ सकते हैं बाय बस, बसों के क्या टाइमिंग है, टिकट प्राइस कितना लगने वाला है, छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज मेरे साथ करिए दिल्ली से उज्जैन की बस जर्नी। और भाई देख लो, हमारी बस टाइम से पहले पहुंच गई है करोल बाग बस स्टैंड पे, जहां से मैं बोर्डिंग ले रहा हूं। कि अभी आप देख रहे हैं करोल बाग का बस स्टैंड है, यहीं से आपको बसेस मिल जाती हैं इंदौर साइड जाने के लिए। और काफी सारी बसेस लगी भी हैं ऑलरेडी। और ये बस है सामने जिससे आज हमारा सफर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और आपको कराते हैं आज जर्नी। बाकी जो हमारी बसें देख सकते हैं, ये बस होने वाली जिससे आज हमारा सफर होने वाला है जस्ट आ चुकी है। और अभी घड़ी में टाइम दिख लीजिए, घड़ी में टाइम हो रहा है 8:16 और 8:20 पे आपको मिल जाएगी करोल बाग बस स्टैंड पे। तो ये बस है जिससे आज हमारी पूरी जर्नी होने जा रही है। बाकी खड़ी है हमारी बस, चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा बस के अंदर का इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं किस तरह से पूरी बस होने वाली है। तो हम जैसे अंदर एंट्री लेंगे इस तरह से पूरा बोर्डन का देख सकते हैं बना हुआ है। और ये है भाई ड्राइवर का पूरा कैबिन, इस तरह से पूरा यहाँ पे व्यूज आता है, देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में। और यहाँ पे ड्राइवर साहब का कैबिन है, कैबिन के बगल में वॉशरूम फैसिलिटी है ओनली फॉर टॉयलेट करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से है, और जस्ट आप देख रहे हैं ये है हमारा पूरा कैबिन। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इधर सारी सेमी स्लीपर सीट है, और इसके राइट साइड में आपको सारी स्लीपर सीट मिल जाएंगी। और कुछ इस तरह से दिखता लाइटिंग है, सामने कैमरा लगा हुआ है भाई, और बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग्स है। बाकी देख लीजिए, जो मैंने सीट बुक करी है वो सेमी स्लीपर करी है, किस तरह से बैठने वाली होती है जो कि काफी कंफर्टेबल होती है। और जस्ट इसके ऊपर देख सकते हैं इस तरह से स्लीपर सीट्स हैं जो कि इस तरह से पूरी है। बाकी बाकी देख सकते हैं इस तरह से इसमें आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा, और इस तरह से कटन है, और पूरा देख सकते हैं इस तरह से पूरा गैप कैबिन है जहाँ पे आपको काफी कंफर्टेबल जर्नी होने वाली है। ऊपर एसी का ऑप्शन है, और सामने देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट है। कुछ इस तरह से अगर आप स्लीपर बुक टिकट बुक करते हैं तो इस तरह से होने वाली है। आप बात कर लेते हैं अपने नीचे जो सेमी स्लीपर बस सेमी स्लीपर सीट है वो देख सकते हैं इस तरह से है सीट होने वाली है भाई। देख लीजिए काफ़ी साफ सुथरी है, और यहाँ पे देखिए इस बस का नाम भी लिखा हुआ है राजकल्पना, इसी बस की सर्विस है। और आप देख रहे हैं यही बस की मैंने सीट करी है, सेमी स्लीपर है, और बस और भाई जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी है, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और देख सकते हैं साइड से इस तरह से ऑप्शन है जिससे आप अपनी सीट को आराम से मतलब इस तरह से ऐसे करके आराम से बिल्कुल सेमी स्लीपर बना के आराम से सोते हुए जा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एसी का ऑप्शन है जहाँ से आप अपना एसी एडजस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी हवा आएगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप अपना बुक्स वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे वाटर बॉटल, और देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरी है, और इस तरह से पूरे यहाँ कर्टन लगे हुए हैं विंडो पे। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे ये है, और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह से पूरी बस ये होने वाली, और जब आप इस साइड देख रहे हैं तो आपको ये स्लीपर का कैबिन मिलने वाला है। इस तरह से देख सकते हैं पूरा कैबिन है भाई, और आज हमारी जर्नी होने जा रही है उज्जैन तक होने वाली है। लेट्स सी कैसा सफर होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30 के करीब, तो पूरा कैबिन इस तरह से होने वाला है। इस 8:25 पे हमारी बस डिपार्चर हो चुकी है करोल बाग बस स्टैंड से, और इसका जो नेक्स्ट बोर्डिंग स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है सीधा धोलकुआ। जो सीट है इसमें एक कमी मुझे लगेगी, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, तो जो भी आपको जो बाहर की लाइट आ रही है इसी लाइट से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें दिल्ली से उज्जैन पहुंचने में बाय बस। तो छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज मेरे साथ करिए दिल्ली से उज्जैन की एक बस जर्नी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर रखने का ऑप्शन है जो कि आपकी जर्नी को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है, और लेग स्पेस भी ठीक ठाक है, काफी कंफर्टेबल आपकी जर्नी होने वाली है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने डिस्टेंस की। तो दिल्ली से उज्जैन का डिस्टेंस 780 किलोमीटर के करीब है, तो अप्रॉक्स इस बस को शायद 13 से 14 घंटे भी लग सकते हैं। वो देखने वाली यही बात है कि ये बस हमें दिल्ली से उज्जैन कितनी देर में पहुँचाती है। और अब बात करूँ इन सीट्स के फेयर का, तो भाई इनका जो फेयर है तो डायनेमिक होता है। जैसे कि मैंने आज बुक करी है, इसका जो टिकट है सेमी स्लीपर का वो है 1000 रुपये, और अगर आप इस तरह से स्लीपर वाली बुक करते हैं तो 1300, 1400, 1500, 1600 अलग अलग सीट के अलग अलग प्राइस होते हैं। तो सारे जो प्राइस हैं वो डायनेमिक होने वाले हैं। तो अगर आप सेमी स्लीपर करके आ रहे हैं, जिसमें मैं करके जा रहा हूँ, तो आपको 1000 से लेकर 1400 के बीच में आपको सीट्स मिल जाएंगी। बाकी कई बार होगा कि आपको 1000 से भी नीचे मिल सकती हैं। तो ये है टिकट प्राइस, बाकी जो भी आगे डिटेल्स होंगी आपको साथ शेयर करूंगा। बस स्टार्ट हो गई है, तो अभी मोमोज हैं और करोल बाग से मैंने बस पकड़ी, तो करोल बाग के मोमोज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी हमने मोमोज लिए हैं और खाते हैं भाई, और अपने जर्नी को करते हैं यहाँ पे इंजॉय। बाकी देख रहे हैं तो मोमोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई। सो आ गया टेस्टी मोमोज, चलिए। चटनी में भाई बिल्कुल स्वाद नहीं है, बस नाम के नाम का भाई मज़ा नहीं आया खाने में, बकवास है बिल्कुल। हमारी बस को चले हुए अभी हो गए 15 से 20 मिनट। अभी हमारी बस दिल्ली के जाम में फंसी हुई है फुल ताबड़तोड़ भाई, इस समय जाम लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और काफ़ी सारी बसेस हैं जो कि इस जाम में हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। तो देखते हैं दिल्ली कितनी देर पार होती है भाई। असली स्पीड तो इस बस की दिल्ली के बाद ही पता चलने वाली है। और मैं वहीं बात करूँ इस बस के बोर्डिंग पॉइंट्स की, तो इसका जो पहला बोर्डिंग पॉइंट है वो है कश्मीरी गेट, और आप इस बस को कश्मीरी गेट से भी ले सकते हैं भाई। और दूसरा है करोल बाग जहाँ से मैंने इसको लिया है, और तीसरा है आपका धौलाकुआं, और जो चौथा होने वाला है वो होने वाला है आपका महिपालपुर। तो ये 4 बोर्डिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से आप इन बस को ले सकते हैं। हमारी बस खड़ी है भाई धौलाकुआं पे, और अभी यहाँ से सवारी ले ली है इसने, अब फिर निकल पड़ी है अपनी चन्नी की तरफ। और अब सीधा जो इसका नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा भाई सीधा महिपालपुर, और महिपालपुर से सवारी पिकअप करके फिर ये आ जाएगी अपने NH वाले रोड पर। फिर इसका देखते हैं स्पीड कितना चलता है। बाकी देख रहे हैं भाई यहाँ पे हमें मिली है पानी की बिस्लेरी की बोतल, और ये है देख सकते हैं ये है 500 ml की, जो कि हमारे इस ट्रिप में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये ठीक है, बाकी थोड़ा पानी गर्म है भाई, बाकी ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री बोतल मिल रही है तो एडजस्टेबल है। तो चलिए इस बोतल को साइड पर रख देते हैं, और वैसे हमारी बोतल यहाँ पर खाली हो गई है। तो अभी घड़ी में देख सकते हैं टाइम हो गया 9:30। तो बाकी अभी हमारी बस गुड़गांव पार कर रही है, और देखते हैं कहाँ पर हमारा स्टॉपेज होता है ढाबे का, और जहाँ पर भी होगा फिर आपको आगे अपडेट देंगे। और अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी बस की भाई लाइव स्पीड चल रही है, और हमारी बस इस समय 100 की स्पीड से चल रही है। देखिए भाई 101, 99, 100 ऐसे की स्पीड से यहाँ पे हमारी बस चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड मानी जाती है। और वहीं बात करूँ उसके एवरेज स्पीड की, तो वो है 90 की। तो इसी वजह से ये बस हमें काफ़ी जल्दी पहुँचाने वाली है उज्जैन। और मैं बात करूं इस बस के रूट की, तो ये बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाती है, जो कि बहुत ही स्मूथ रोड है। और अब मैंने आपको लाइव स्पीड दिखाई, 100+ स्पीड चल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे टाइम पे मुझे मतलब ऑन द टाइम ये बस मैं पहुंचा देगी उज्जैन। सो गाइस अभी हमारी बस पहुँच चुकी है ढाबे पे। सो गाइस अभी घड़ी में 11 बज रहे हैं, और हमारी गाड़ी 2.5 घंटे चलने के बाद फाइनली पहुंच चुकी है जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और हमारी बस ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी तय कर लिया है, और जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही बस है जिससे आज हमारी जर्नी हो रही है। और अभी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है, जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ढाबा है, क्योंकि बस रुकी है वहाँ का। इस तरह से देख सकते हैं एम्बियंस, यहाँ पे और भी सारी बसेस खड़ी हैं, और कुछ इस तरह का पूरा यहाँ पर नज़ारा है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। और ये खड़ी हमारी खूबसूरत सी बस जिसमें आज हम जर्नी कर रहे हैं, और जस्ट आप सामने देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का ढाबा है जहाँ पे हम अभी अपना डिनर वगैरह करने वाले हैं। तो इस तरह से पूरा होने वाला है। बाकी भाई चलिए चलते हैं और अपना डिनर कर लेते हैं। और ये हमारी बस खड़ी है, और जस्ट आप देख सकते हैं ये होटल है जहाँ पर हमारी बस रुकी है, और जस्ट बाहर ही इस तरह से यहाँ पर बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आप चाहें आप बाहर भी बैठ सकते हैं, और जस्ट ये ढाबा है, इस पूरा एयर कंडीशन ढाबा है, तो आप चाहें तो अंदर भी बैठ के आराम से अपना लंच डिनर जैसे टाइम पे आप पहुँचें यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं ये अंदर से हमारा होटल है, और पूरा एयर कंडीशन है, तो आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं।
और मैं वहीं बात करूं इस बस के रूट की, तो ये बस दिल्ली से होते हुए कोटा होते हुए उज्जैन पहुंचती है। तो ये इस बस का पूरा रूट होने वाला है, तो चाहे तो आप इसको बस को कोटा तक के भी ले सकते हैं। 20 से 25 मिनटों के बाद फिर से हमारी बस निकल पड़ी है अपनी जर्नी की तरफ। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी घड़ी में 6 बज रहे हैं और अभी हमने एंट्री कर ली है मध्य प्रदेश में। और अब बात करूं यहाँ से डिस्टेंस की उज्जैन की, तो 126 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। और रात में तो मैं खैर सो ही गया था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि आपको दिखाऊं। तो अभी 6 बज रहे हैं, अब दिन भी हो गया है कुछ इस तरह से है, और हमारी गाड़ी पहुंच रही है। वेदर भाई बहुत खूबसूरत है, देखिए अभी देखते हैं ऐसा लग रहा है कहाँ रात को बारिश हुई है, और कुछ इस तरह का पूरा वेदर है, काफी अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, हमारी बस पहुंच चुकी है एक ढाबे पे, और अभी हम मॉर्निंग है, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहां से बात करूं उज्जैन का डिस्टेंस का, तो मात्र 16 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। तो अभी मैं एक ढाबे पे हूं जहां पे चाय पानी हम पियेंगे, और उसके बाद अभी फिर आप अपनी 16 किलोमीटर की यात्रा आगे होने वाली है। और अभी आप देखते हैं यहां का वेदर कितना ही औसम है, और पूरा बादल हो रखा है, और बारिश ऐसा मौसम है, और बारिश भी हुई है रात को, देख सकते पूरा गीला है। लेकिन हाँ ये है कि दिल्ली से तो अच्छा मौसम है भाई, मतलब दिल्ली में तो बहुत ताबड़तोड़ गर्मी है, लेकिन जो यहाँ का वेदर है भाई वो एक नंबर का होने वाला है। बाकी अभी जस्ट हमारी खड़ी है बस, तो 15 से 20 मिनट हमारी बस यहाँ रुकने वाली है, आफ्टर डेट उसका तुम्हारा आगे जर्नी कंटिन्यू होगी। तो चलिए गाइस पहले अपना मॉर्निंग का टी पी लेते हैं, फिर अपना आगे जर्नी कंटिन्यू कर। ये देख लीजिए हमारी खड़ी है बस, और सामने कुछ इस तरह का ढाबा है जहाँ पर हमारी बस रुकी हुई है। और बात करूँ देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का पूरा चारों तरफ खूबसूरत सा वेदर है, और ये है हाईवे जिस हाईवे से हमारी बस जा रही है, और जस्ट सामने देखिए कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा है चारों तरफ का भाई। और ये देख सकते हैं ये अपना रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके हैं, श्री सावरिया नाश्ता पॉइंट, तो इसमें भी हम आए हैं, चलिए चलते हैं। पूरा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है देख सकते हैं भाई, और पूरा ओपन रेस्टोरेंट है ये, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आने वाली है। सामने कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा है, तो खाने पीने की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, जलेबी हो गया, पोहा हो गया, समोसा हो गया, और ढोकला हो गया, और इस तरह से अपने रास्ते में यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी सामने देखिए ये कुछ इस तरह के स्नैक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। बाकी अभी मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इस तरह से पोहे लिए हैं, और जो कि मात्र 15 रुपये में, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और बाकी देखते हैं स्वाद किस तरह से होने वाला है, बाकी देखें तो उस तरह से देखिए पूरा है, बाकी नमकीन वगैरह धनिया वगैरह पूरा डाला हुआ है। तो चलिए अपना नाश्ता की शुरुआत करते हैं यहाँ के फेमस पोहे से। और बाकी अभी हमने यहाँ पे इस तरह से देसी घी की जलेबी ली है, जो कि 300 रुपये किलो है, और इमरती लेते हैं तो 400 रुपये किलो है। तो बाकी देखिए अभी बिल्कुल गरम गरम ताज़ी ताज़ी बनी है, और देखते हैं खाने में किस तरह से होती है। बाकी अभी गर्म है, और बाकी जिस तरह से वेदर है सामने, इतना ठंडा ठंडा बारिश वाला वेदर है, उसमें इस तरह से गर्म गर्म जलेबी खाने का स्वाद ही भाई एक नंबर का होता है। जलेबी ट्राई करते हैं, गर्म गर्म है, ओ भाई एक नंबर की, बिल्कुल देसी घी की बनी है, खा के मज़ा ही आ गया। अगर मॉर्निंग सुबह देसी घी जलेबी सो जाए और इस तरह ठंडा मौसम हो, तो फिर दिन की सुबह एक नंबर की होती है।
अभी 8:40 हो रहे हैं और हमारी बस ने हमें इस पॉइंट पर छोड़ दिया है और यहाँ से हमें ई रिक्शा करके जाना है महाकाल की नगरी, जहाँ पे महाकाल के दर्शन होंगे। तो लेट्स सी यहाँ से कितना चार्ज लगता है रिक्शे का, वो भी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप ये देख लीजिए, ये लोकेशन है कुछ इस तरह से और ये हमारी बस है जिसने हमें यहाँ पे उतारा है। और अब यहाँ से तुम्हारा आगे जर्नी होने जा रहा है वो होगा ई रिक्शा से या इस तरह से ऑटो से। बात करूँ यहाँ से डिस्टेंस की, तो मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ई रिक्शा कर लेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस बस से आते हैं तो आपको महाकाल से आपको सिर्फ 2 किलोमीटर दूर छोड़ेगी। तो हम ई रिक्शा कर लेते हैं और जस्ट जहाँ आपको बस आ रही है इसके आसपास काफी सारे आपको ऑटोज और रिक्शा मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने आगे का जर्नी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर बहुत छोड़ेगा आपको इस तरह से ऑटो मिल जाते हैं और भाई आपके 20-30 रुपये पर हेड सवारी के हिसाब से लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं महाकाल मंदिर के जस्ट सामने। और वहाँ पे आपको काफी सारे होटल्स और धर्मशाला मिल जाती हैं। तो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितना प्राइस यहाँ पे होने वाला है अगर होटल्स लेते हैं और धर्मशाला का क्या प्राइस यहाँ पे होने वाला है। बाकी आप ये देख रहे हैं, ये है रेलवे स्टेशन उज्जैन का। तो जस्ट आपको ये रेलवे स्टेशन पास में उतारता है, तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तो आस पास में ही है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब जिस भी वे में यहाँ पे आते हैं आप ही देख रहे हैं होटल अलका, इसी में मैंने स्टे करा है और कुछ इस तरह का ये होटल है भाई। बाकी आपको मैं चलिए अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर से कुछ तरह किस तरह के इसमें रूम मैंने लिया है। और ये देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे सवारी आई हैं ऑटो वाले, तो मोस्टली लोग यहीं पे आके आसपास ही स्टे करते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको रूम यहाँ मिल जाएंगे ऐसी अच्छी फैसिलिटी के साथ। बाकी देख रहे हो अभी मेरा ये होटल का बालकनी एरिया है कुछ इस तरह से रूम, ठीक है, जिसमें मैंने स्टे करा है। और चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरह से पूरा रूम होने वाला है। तो हम जैसे एंट्री करते हैं तो जस्ट हम यहीं पर वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाती है, देखिए। और हमारा वॉशरूम है और ये है हमारा कुछ इस तरह का डबल बेड वाला रूम। और ये देखिए कुछ इस तरह से पूरा रूम है, सामने टीवी लगा हुआ है और स्मार्ट की वाला ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको आराम से सामान रखने का ऑप्शन मिल जाएगा, एक पूरा अलमीरा टाइप का मिल जाएगा जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, बैग वगैरह, ठीक है। और इधर मिल जाएगा आपको एक क्लीन सा मिरर और ये है बेड। वहीं मैं बात करूं इस रूम के प्राइस की, तो ये रूम मुझे पड़ा है, जो देख रहे होंगे ये डबल बेड रूम है नॉन एसी, जो कि मुझे पड़ा है 1500 रुपये का। और अभी मैं आउट सीजन में आया हूं, अभी 5 से 6 दिन बाद आपका सावन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय रेट थोड़े हाई आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और बाकी आप एवरेज बात कर लो पूरे इस एरिया में मैंने पता करा, तो अगर आप नॉर्मल नॉन एसी डबल बेड इस तरह से लेते हैं तो आपको 1500 से 2000 के बीच में रूम पड़ने वाले हैं। और वहीं अगर आप एसी वाला रूम लेते हैं तो वही आपको 2500 रुपये तक के, इससे 2500 से लेके 3000 के बीच में मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आपको रूम के प्राइस मिलने वाले हैं। और वहीं बात करूँ मैं धर्मशाला की, तो धर्मशाला भी आपको 700-800 रुपये से नीचे की नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे थोड़े से रूम आपको कॉस्टली मिलने वाले हैं अगर आप उज्जैन में आके स्टे करते हैं। तो इस तरह के पूरे यहाँ पे रूम है, बाकी इस तरह का रूम मैंने लिया है। तो बाकी इनका नंबर और लोकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप चाहें तो इस रूम पे जाके भी बुक कर सकते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर के करीब में ही है और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही महाकाल कॉरिडोर है, तो आप आराम से यहाँ से आप ई रिक्शा करके आराम से जा सकते हैं। तो सो गाइस, फाइनली मैंने आपको दिल्ली से उज्जैन की एक बस जर्नी दिखाई। अब बारी आ गई है बात करने की कि बस ने मुझे कितने टाइम में पहुँचाया। तो दिल्ली से बस हमारी चली थी 8:20 पे और इसने मुझे 9 बजे करीब उतार दिया। तो इस बस ने मुझे 13 घंटे का टाइम लिया है दिल्ली से उज्जैन पहुंचाने का। और सफर काफी कंफर्टेबल था, बस भी काफी अच्छे से अंदर क्लीन नीट थी और जो बस की कंडीशन थी वो भी काफी अच्छी थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और बात करूं टिकट प्राइस की, तो जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि टिकट इसके डायनेमिक फेयर होते हैं, जैसे कि मैंने जो टिकट बुक करी थी सेमी स्लीपर थी उसका था 1000 रुपये और उस दिन, और जो स्लीपर का था वो था 1500 रुपये। तो इस तरह से फेयर अप डाउन होते हैं, कई बार आपको सेम स्लीपर 1200 की भी मिल सकती है, 1400 की भी मिल सकती है। तो इस तरह से इसके प्राइस होने वाले हैं। बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से क्लिक करके भी इनकी टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होने वाला है महाकाल का। तो जब तक के लिए हर हर महादेव।